कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग और सीरियस है, जिनके संबंध में अभी जो सूचना आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। और जो है बाकी लोग जो है उनको सीरियस कंडीशन उनकी नहीं है। और जो कैजुअल्टी 6 हुई है उसमें से 3 जो कैजुअल्टी है वो पुरुष की है और 3 कैजुअल्टी जो है महिलाओं की है। तो कुल मिला के अभी 6 कैजुअल्टी हुई है, उसमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं। पहचान की जा रही है, अभी हमारी टीम लगी हुई है वहाँ पे, मैं खुद भी अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, अभी उसको वहाँ पे मुआयना करने के लिए। और अभी हमारी टीम लगी हुई है, एक बार जैसे आ जाती है तो हम लोग इनके परिवारजन को सूचित करेंगे। और जो अग्रतर कार्रवाई है, हमने यहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया है घटनास्थल पर, जो एक्चुअल वजह क्या है ये जानने के लिए। अभी तो प्राइमरी फेसी जो भी रीजन है वो है, लेकिन उसको हम लोग टेक्निकली लैब की टीम से सत्यापन करेंगे। अभी तो देखिए, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन जस्ट जो है खत्म हुआ है, और जो है अभी जैसे ही आगे की कार्रवाई होगी, जो पुलिस की जो हमारी यूडी के जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो जब होगी, तो उसके बाद जो है आप लोगों को उस संबंध में जो बताया जाएगा कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग और सीरियस है, जिनके संबंध में अभी जो सूचना आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। और जो है बाकी लोग जो है उनको सीरियस कंडीशन उनकी नहीं है। और जो कैजुअल्टी 6 हुई है उसमें से 3 जो कैजुअल्टी है वो पुरुष की है और 3 कैजुअल्टी जो है महिलाओं की है। तो कुल मिला के अभी 6 कैजुअल्टी हुई है, उसमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं। पहचान की जा रही है, अभी हमारी टीम लगी हुई है वहाँ पे, मैं खुद भी अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, अभी उसको वहाँ पे मुआयना करने के लिए। और अभी हमारी टीम लगी हुई है, एक बार जैसे आ जाती है तो हम लोग इनके परिवारजन को सूचित करेंगे। और जो अग्रतर कार्रवाई है, हमने यहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया है घटनास्थल पर, जो एक्चुअल वजह क्या है ये जानने के लिए। अभी तो प्राइमरी फेसी जो भी रीजन है वो है, लेकिन उसको हम लोग टेक्निकली लैब की टीम से सत्यापन करेंगे। अभी तो देखिए, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन जस्ट जो है खत्म हुआ है, और जो है अभी जैसे ही आगे की कार्रवाई होगी, जो पुलिस की जो हमारी यूडी के जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो जब होगी, तो उसके बाद जो है आप लोगों को उस संबंध में जो बताया जाएगा कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।